नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है न्यू मूवीज अपडेट। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताएंगे। मूवी कृष्णा माँ रिलीज के आज पूरे 3 दिन कंप्लीट हुआ है, तो इस वीडियो के अंदर मूवी कृष्णा माँ के 3 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आपको बता देंगे। मूवी आरान मनाई 4 आज रिलीज के पूरे 10 दिन कम्प्लीट हुआ है, तो मूवी आरान मनाई 4 के 10 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आपको बता देंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ दोस्तों मूवी रुसलान एंड मूवी रत्नम, ये दोनों ही मूवी रिलीज के आज पूरे 17 दिन कंप्लीट हुआ है, तो इस वीडियो के अंदर मूवी रत्नम एंड मूवी रुसलान के भी 17 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आपको बता देंगे। आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें मूवी कृष्णा माँ के बारे में, जो मूवी रिलीज के आज पूरे 3 दिन कंप्लीट हुआ है। दोस्तों मूवी कृष्णा माँ के टोटल बजट थे पूरे 6 करोड़। यहाँ पे कलेक्शन की अगर बात करें तो दोस्तों मूवी कृष्णा माँ ने अपने रिलीज के पहले दिन टोटली जो वर्ल्ड वाइडली कमाई कर लिया था पूरे 1 करोड़ का, और मूवी ने अपने दूसरे दिन पे यानी कल इस मूवी ने सैटरडे को वर्ल्ड वाइडली पूरे 90 लाख का कलेक्शन कर लिया था। बात की जाए दोस्तों मूवी के तीसरे दिन यानी आज की कलेक्शन की, तो दोस्तों मूवी के तीसरे दिन यानी आज है संडे, और इसलिए कलेक्शन में हल्का सा ग्रोथ देखने को मिलता है। रिपोर्ट के जानकारी के मुताबिक मूवी कृष्णा माँ अपने तीसरे दिन पे यानी आज जो नेट कलेक्शन करने लगा है इंडिया पे पूरे 70 लाख रुपए, जबकि आज के दिन इंडिया पे ग्रोस कलेक्शन होने लगा है पूरे 90 लाख रुपए, और आज के दिन ओवरसीज यानी दोस्तों इंडिया के बाहर से जो कमाई आने लगा है वो तकरीबन पूरे 20 लाख रुपए। यानी दोस्तों मूवी कृष्णा माँ आज अपने तीसरे दिन पे वर्ल्ड वाइडली जो कमाई करने लगा है पूरे 1 करोड़ 10 लाख रुपए। और इसी के साथ दोस्तों मूवी के अगर 3 दिनों के टोटल कलेक्शन को एक साथ जोड़ दी जाए तो दोस्तों मूवी कृष्णा माँ के 3 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होता है पूरे 3 करोड़। जी हाँ दोस्तों, यही है मूवी कृष्णा माँ के 3 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, जो कि हो चुका है पूरे 3 करोड़ रुपए। इस मूवी को हिट होने के लिए तकरीबन 6 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन करने होंगे। यहाँ पे बात करें दोस्तों मूवी आरान मनाई 4 के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों मूवी आरान मनाई 4 के कलेक्शन हिस्टोरिक है दोस्तों। कंटेंट पावर मतलब इस मूवी के कलेक्शन रुकने का नाम भी नहीं ले रहा। मूवी के टोटल बजट थे ओनली 15 करोड़, और कलेक्शन की अगर बात करें तो दोस्तों मूवी आरान मनाई 4 ने अपने पहले हफ्ते में यानी शुरुआती 7 दिनों में टोटल जो नेट कलेक्शन कर लिया था इंडिया पे पूरे 32 करोड़ 10 लाख रुपए। बात की जाए दोस्तों मूवी के दूसरे हफ्ते की कलेक्शन की, तो दोस्तों मूवी आरान मनाई 4 ने अपने दूसरे हफ्ते पे भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन करने लगा है। जी हाँ दोस्तों, मूवी आपने 8वें दिन पे इंडिया पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 2 करोड़ 25 लाख रुपए। अपने 9वें दिन पे यानी कल इस मूवी ने सैटरडे को पूरे 4 करोड़ 37 लाख का नेट कलेक्शन कर लिया था। बात करें दोस्तों मूवी के 10वें दिन यानी आज की कलेक्शन की, तो दोस्तों आज है संडे, मतलब पूरी तरह से हॉलिडे है, तो इसलिए कलेक्शन में और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलने लगे हैं। और रिपोर्ट के जानकारी के मुताबिक मूवी आरान मनाई 4 अपने 10वें दिन पे यानी आज जो नेट कलेक्शन करने लगा है पूरे 5 करोड़ का। और इसके साथ दोस्तों मूवी आरान मनाई 4 के 10 दिनों का टोटल नेट कलेक्शन होता है इंडिया पे पूरे 43 करोड़ 72 लाख रुपए, जबकि इन 10 दिनों का टोटल इंडिया पे ग्रोस कलेक्शन हो चुका है पूरे 52 करोड़। और इन 10 दिनों में टोटल कलेक्शन आते हैं ओवरसीज यानी दोस्तों इंडिया के बाहर से पूरे 8 करोड़ का। यानी दोस्तों मूवी आरान मनाई 4 ने अपने इन शुरुआती 10 दिनों में टोटली जो वर्ल्ड वाइडली कमाई कर लिया है पूरे 60 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, यही है मूवी आरान मनाई 4 के 10 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, जो कि हो चुका है पूरे 60 करोड़, और मूवी हो चुका है डबल ब्लॉकबस्टर मूवी। यहाँ पे बात करें दोस्तों विशाल सर की मूवी रत्नम के बारे में, तो दोस्तों रत्नम भी एक सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर मूवी है,
और इस मूवी के कलेक्शन अभी तक रुकने का नाम भी नहीं ले रहा। जी हाँ दोस्तों, कलेक्शन भले ही थोड़ा कम होने लगा है, पर होने लगा है ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मूवी के टोटल बजट थे पूरे 20 यानी 20 करोड़। कलेक्शन की अगर बात करें तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, मूवी रिलीज के आज पूरे 17 दिन कंप्लीट हुआ है। पूरे 17 दिन इस मूवी ने अपने पहले हफ्ते में यानी शुरुआती 7 दिनों में टोटल नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 13 करोड़ 38 लाख रुपए, और मूवी ने अपने दूसरे हफ्ते पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 8 करोड़ 20 लाख रुपए। बात की जाए दोस्तों मूवी के तीसरे हफ्ते की कलेक्शन की, तो दोस्तों मूवी रत्नम ने अपने 15वें दिन पे इंडिया पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 40 लाख रुपए, और अपने 16वें दिन पे यानी कल इस मूवी ने इंडिया पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 38 लाख रुपए। बात की जाए दोस्तों मूवी के 17वें दिन यानी आज की कलेक्शन की, तो दोस्तों आज संडे होने के कारण कलेक्शन में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलने लगा है। और रिपोर्ट के जानकारी के मुताबिक मूवी रत्नम अपने 17वें दिन पे यानी आज जो नेट कमाई करने लगा है पूरे 50 लाख रुपए, और इसी के साथ दोस्तों मूवी रत्नम के 17 दिनों का टोटल नेट कलेक्शन होता है पूरे 22 करोड़ 46 लाख रुपए, जबकि इन 17 दिनों का टोटल इंडिया पे ग्रोस कलेक्शन हो चुका है पूरे 28 यानी 28 करोड़, और इन 17 दिनों में टोटल कलेक्शन कर लिया है ओवरसीज यानी दोस्तों इंडिया के बाहर से पूरे 7 यानी 7 करोड़ का। यानी दोस्तों विशाल सर की मूवी रत्नम ने अपने इन 17 दिनों में टोटली जो वर्ल्ड वाइडली कमाई कर लिया है पूरे 35 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, यही है मूवी रत्नम के 17 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो कि हुआ है पूरे 35 यानी 35 करोड़ रुपए, और मूवी हो चुका है सुपर डुपर हिट मूवी। यहाँ पे बात करें दोस्तों आयुष शर्मा स्टारर बॉलीवुड की हिंदी मूवी मूवी रुसलान के बारे में, तो दोस्तों मूवी रुसलान आज रिलीज के पूरे 17 दिन कंप्लीट हुआ है। चलिए कलेक्शन की बात करें, उससे पहले आपको याद दिला दे कि मूवी रुसलान के टोटल बजट थे पूरे 25 यानी 25 करोड़, और कलेक्शन अपने पहले हफ्ते में मूवी रुसलान ने इंडिया पे जो नेट कमाई कर लिया था पूरे 5 करोड़ 15 लाख रुपए, और मूवी ने अपने दूसरे हफ्ते पे टोटल इंडिया पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 2 करोड़ 90 लाख रुपए। बात की जाए दोस्तों मूवी के तीसरे हफ्ते की कलेक्शन की, तो दोस्तों मूवी रुसलान ने अपने 15वें दिन पे इंडिया पे नेट कमाई कर लिया था पूरे 29 यानी 29 लाख रुपए, अपने 16वें दिन पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 35 लाख, और बात करें दोस्तों मूवी के 17वें दिन यानी आज की कलेक्शन की, तो आज संडे होने के कारण कलेक्शन में हल्का सा ग्रोथ देखने को मिलता है। और रिपोर्ट के जानकारी के मुताबिक मूवी रुसलान अपने 17वें दिन पे यानी आज जो नेट कमाई करने लगा है पूरे 40 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों मूवी रुसलान के अपने इन 17 दिनों का टोटल नेट कलेक्शन होता है इंडिया पे पूरे 9 करोड़ 9 लाख रुपए, जबकि इन 17 दिनों का टोटल इंडिया पे ग्रोस कलेक्शन हो चुका है पूरे 14 करोड़ का, और इन 17 दिनों में टोटल कलेक्शन आते हैं ओवरसीज यानी दोस्तों इंडिया के बाहर से पूरे 6 करोड़ का। यानी दोस्तों आयुष शर्मा स्टारर मूवी रुसलान ने अपने इन 17 दिनों में टोटली जो वर्ल्ड वाइडली कमाई कर लिया है पूरे 20 यानी 20 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, यही है मूवी रुसलान के 17 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो कि हुआ है पूरे 20 करोड़ रुपए। आपको बताते चले मूवी रुसलान को हिट होने के लिए सिर्फ ओनली 5 करोड़ और कमाई करने होंगे। तो दोस्तों यही थे इन चारों ही मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। आपसे उम्मीद है कि इसी तरह के मूवीज अपडेट वीडियो के लिए, बॉक्स ऑफिस के खबरें के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस पे, टेक केयर, बाय दोस्तों।